से एक अरविंद सिंह परमार नाम के इंसान ने मेरे साथ शोषण करने की शोषण किया था जी। और उसके बाद उसने मेरा कई बार गर्भपात भी कराया था। वो रहने वाला धौलपुर सैफो उसका गांव है जी। उसके बाप का नाम है मिस्टर उदल सिंह परमार जी। और मैं हर जगह भागती फिर रही हूँ। मैंने हर जगह अपनी एप्लीकेशन भी पोस्ट करी है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी करी थी, और मुझे उससे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आगरा वाले बोलते हैं एटा जाओ, एटा वाले बोलते हैं कि आगरा जाओ। मैं यहाँ तक कि मैंने SSP ऑफिस भी भेजी थी, FSP ऑफिस में, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। चौकी पे एप्लीकेशन पहुंची तो उन्होंने मुझसे बोला केस में कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं होगा, आप छोड़ो इस सब चीज को। मुझे वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब मैं एटा आई तो एटा में भी SSP ने मुझसे कहा कि ये आगरा का केस है, आगरा में होगा। उन्होंने भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया। बताइए मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? क्या शादी का झांसा देकर आपसे ये रेप किया था? शादी का झांसा देके मुझसे कहा उसके, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो और मैं तुम्हें वहां रखूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। और कुछ नहीं, उसने अपने भाई के लिए और अपने लिए मुझे यूज के लिए अपने साथ वहां ले गया था। और मुझसे कोई शादी नहीं करी थी उसने, और मुझसे 6-3 साल तक मेरे साथ शोषण करता रहा, मारपीट की। उसने मेरी एक वीडियो बना ली थी जिससे मुझे धमकी देता था कि मैं तुझे वायरल कर दूंगा अगर तूने मेरे घर वालों के खिलाफ कुछ भी बोला। क्या करता है वो? वो एक आगरा में श्याम जादौन की दुकान पे, हलवाई की दुकान पे जॉब करता था, ठीक है। और वहाँ पे जॉब करते उस इंसान ने उसके साथ दिया है कि तू अपने घर जा, अपने माँ बाप के पास सुन, और तेरी शादी होगी अच्छी खासी, और तू यहाँ इस लड़की को छोड़ के चला जा। तो पुलिस कोई सुनवाई कर रही है आपकी अभी? पुलिस ने अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई ऊपर तक जाए ताकि मुझे इंसाफ मिले। और क्या कहते हैं, उसके बाद उस इंसान ने मेरे साथ मारपीट भी बहुत सारी की है। अगर मैं कोई भी बात कहती थी तो वो मार पीटता था, अपने दोस्तों के साथ लाता था। उसके साथ मेरी जो मेरी एक्टिवा थी पर्सनली, वो भी मेरे अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ ले गया वो, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। कराया गया, एक एप्लीकेशन लिखाया गया, जिसमें बताया गया कि लड़की उसके साथ कोई युवक जो है 2 साल से संबंध बना रहा था, अब शादी करने से मना कर रहा है। इस अगर इस तरह न बताता है जिस पर विजिट करवाई की जाएगी, अभी एप्लीकेट करा के विजिट करवाई की जाएगी। सर उसने क्या शोषण किया गया इसको? अब ये तो मेरे सामने आई नहीं थी, आपके द्वारा ही प्रार्थना पत्र दिखाया गया है। मुझे जो अभी तो इतना आइडिया नहीं, ना तो उसके बाद सामने आने की जाएगी।